धर्मस्थली और जन्मस्थली पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट की राजनीति की है, हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग प्रभु श्री रामचंद्र के नाम को और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। उनसे उनके नाम पे चंदा करोड़ों रुपए बटोरा जा रहा है। पूरे देश से लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र में आस्था व्यक्त करते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा दिया। उस चंदे के पैसे का दुरुपयोग करके आप अभी हाल ही में देखा किस तरीके से 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों को साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आदेशानुसार, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार हम कांग्रेस जन जो ये भ्रष्टाचारी ट्रस्ट में बैठे अनिल कुमार मिश्रा, चंपत राय और यहाँ का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, हम कांग्रेस जन आज ज्ञापन दिए हैं इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिन भक्तों ने उन्हें चंदा दिया है उनके घर घर जा करके तुम्हें बेनकाब करने का काम करेंगे और सड़क पे आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं उच्च स्तरीय जाँच करा करके इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए। अनिल मिश्रा, चंपत राय, ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्टियों में और भी जितनी खरीदारी हुई है जो मंदिरों में, जो भी इस ट्रस्ट के माध्यम से उसकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी कोई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्हीं को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, अभी तो आज ज्ञापन दिया है। अगर इस पे सरकार ने चेती नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी देखरेख में, केंद्र सरकार के देखरेख में ट्रस्ट बना है, उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आस्था के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको जनता माफ नहीं करेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।